हेलो बच्चों, अपना आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जब हम मानव शरीर की बात करते हैं तो जो कोशिकाएं हैं उनमें हम या अनेक अंगों में के आगे हम ग्रंथि शब्द का उपयोग करते हैं। तो ग्रंथि क्या होती हैं? ग्रंथि वास्तव में एक कोशिका अथवा कोशिकाओं का समूह होती हैं जो कि शरीर में किसी भी प्रकार के पदार्थ के स्त्रवण का कार्य करती हैं। अर्थात वे कोशिकाएं या कोशिकीय समूह जो कि स्त्रवण कार्य में लिप्त होती हैं या के लिए उत्तरदायी होती हैं उन्हें ग्रंथियां कहते हैं। अब इनकी कार्यकी के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं, बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड और अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जिनमें कि अपने स्राव को ग्राही अंग तक ले जाने के लिए विशिष्ट वाहिनियों की उपस्थिति होती है, जैसे कि लार ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियों के रूप में लिवर है। तो इन ग्रंथियों में अपने स्राव को ले जाने के लिए जहाँ पर भी उस स्राव का उपयोग किया जाएगा वाहिनियां पाई जाती हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मुख्य जो लक्षण है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, अर्थात इनमें वाहिनियों की अनुपस्थिति होती है और टारगेट ऑर्गन तक या इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाने के लिए, इनके स्राव को ले जाने के लिए ये रुधिर को एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम या एक माध्यम के रूप में उपयोग में लाती हैं। अतः एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स हुई? जो कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, अर्थात प्राइमरीली जिनके अंदर वाहिनियों की अनुपस्थिति होती है तो उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मुख्य रूप से ये बेसिक डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के मध्य। अब जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सिक्रीशन होता है उसे कहा जाता है हार्मोन। पहले तो एक क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनमें वाहिनियों की अनुपस्थिति क्यों होती है, क्योंकि इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं या जिन्हें हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, रासायनिक संदेश वाहकणु भी कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में इनका उत्पादन होता है। तो वाहिनियों द्वारा ले जाने में ये इतने उपलब्ध नहीं होते मात्रा में, अतः ब्लड में इनको डिजॉल्विंग फॉर्म में या ब्लड के द्वारा एज अ मीडियम ब्लड को यूज़ करके इन्हें इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी बात, हार्मोन का इफेक्टर ऑर्गन के साथ में हमेशा जो फंक्शन होता है या उसके ऊपर जो क्रिया होती है वो लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म होती है, ताला चाबी सिद्धांत होता है। अर्थात अन्य किसी नॉन टारगेट स्ट्रक्चर या संरचना या कोशिका पर इनका प्रभाव नहीं होता, अतः इनमें वाहिनियों की आवश्यकता या हम कह सकते हैं कि का कार्य नहीं होता है। अगर हम मानव शरीर में देखें कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे लिस्टेड की हुई हैं पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को हम ड्यूल ग्लैंड भी कहेंगे जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की भांति क्रिया करती है। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अधिव्रक या सुप्रारीनल ग्लैंड और गॉनेट्स या जनद अंग जैसे कि वृषण और अंडाशय। इनकी अगर हम फंक्शनिंग देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो इनका मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर की विभिन्न जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कार्यकी हैं हमारी, उनको कंट्रोल करना होता है। या हम कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जितनी भी फंक्शनिंग है या फिजियोलॉजी है एक बॉडी की उनको रेगुलेट या कंट्रोल करती हैं, ओवरऑल कंट्रोल करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम देखें ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या सेंस स्ट्रेस है, बॉडी
टेम्परेचर बैलेंस करना है या इमोशंस को बैलेंस करना, एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, ऐसी समस्त प्रक्रियाएं जो कि एक शरीर के अंदर होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड उनको कंट्रोल करने का, कंट्रोल नहीं कह के हम शब्द काम में लेते हैं, नियत बनाए रखने का कार्य करती हैं। पिट्यूटरी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम कह सकते हैं शरीर और जो नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है उनके मध्य एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का एक सिस्टम होता है, जिससे कि ब्रेन केमिकली या कुछ रसायनों के माध्यम से कैसे समस्त क्रियाओं पर को रेगुलेट किया कर सकता है या उनको करता है। ये लिस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध करा दी है ताकि मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये जो स्लाइड है इसमें मुख्य रूप से ग्लैंड्स, उनकी पोजीशन, कहाँ कहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, जैसे कि मास्टर ग्लैंड ब्रेन में उपस्थित होती है, इसकी पोजीशन या ब्रेन में उपस्थित होने के कारण हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड जो कि नेक रीजन में है, किडनी के ऊपर उपस्थित एड्रीनल ग्लैंड, इसलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, पेंक्रियाटिक ग्लैंड और ये गॉनेट्स, इनसे निकलने वाले मुख्य हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं मुख्य रूप से ग्रोथ को, वृद्धि को कंट्रोल करते हैं और अन्य सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो के जो हार्मोन होते हैं वह हमारे उपापचय तंत्र को कंट्रोल करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, जो कि हमारे इमोशंस को, स्ट्रेस को, इन सब को कंट्रोल करती हैं। पेंक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन या ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन रखना, और गॉनेट से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स या रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो होती हैं उनको नियत बनाए रखने में हेल्पफुल होती हैं। तो बच्चों ये अपना आज एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हम नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियोस में एक एक ग्लैंड को डिटेल में स्टडी करेंगे। आपको इन सभी पीडीएफ, जो ये पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिए गए हैं, आप इन्हें कॉपी कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।